विगत दिवस आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के सैकड़ों अध्यापक शिक्षकों ने टीकमगढ़ शहर से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित कुंडेश्वर धाम भगवान भोलेनाथ के चरणों में नारियल अर्पित कर पुरानी पेंशन बहाली की मन्नत की। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करो, जो बुढ़ापे की परेशानी को समझने को तैयार नहीं है। बुढ़ापा आने पर सेवा से निवृत्त होते ही हम सबको एनपीएस रूपी राक्षस का सामना करना पड़ रहा है। ये एनपीएस रूपी राक्षस हम सबको अंधकार और दरिद्रता के गर्त में धकेल रहे हैं और प्रदेश के मुखिया हैं कि हम लोगों की मजबूरी सुनने एवं समझने को तैयार नहीं हैं। अध्यापक शिक्षक संवर्ग निवेदन करता है कि एनपीएस रूपी राक्षस का संहार करो और हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करो। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आज हम जिले के सैकड़ों अध्यापकों के साथ भगवान भोले के दरबार में मन्नत मांगने के लिए गए थे। हमारी भगवान भोलेनाथ से मन्नत थी एनपीएस रूपी दानव का संहार करें और हम सबको पुरानी पेंशन बहाल कराएं। क्योंकि हमारे प्रदेश के माननीय मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का नाम हमारे शिवधाम भगवान शिव में समाहित है, तो हमने भगवान शिव से प्रार्थना की है कि वो आपके नाम के अनुरूप ही हम सबकी पेंशन का बहाल करें। 25 दिसंबर को प्रदेश में हमारा एक पेंशन बहाली का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब आमंत्रित कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्रदेश के मुखिया शिवराज जी हम सबकी पेंशन बहाल करेंगे। हमने भगवान भोलेनाथ को एक कष्ट भी बताया है कि हमारे प्रदेश के मुखिया अपने 2 कर्मचारी बेटों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। एक बेटे को रिटायरमेंट होने पर पुरानी पेंशन प्रदान कर सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का अवसर देते हैं और अपने दूसरे कर्मचारी बेटे को रिटायरमेंट होने पर मात्र 700-800 रुपये की पेंशन प्रदान कर उसे दरिद्रता के अंधकार में धकेल रहे हैं। हमने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि वो शिवराज जी को इस प्रकार की बुद्धि प्रदान करें कि अपने दोनों कर्मचारी बेटों के साथ एक समान व्यवहार कर सकें। हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।